बेटा पहला सवाल है, देखिए सवाल कर दे चलो, कैलकुलेट, पहला सवाल है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर। मतलब दो प्रोटॉन है, एक हीरा प्रोटॉन एक हीरा प्रोटॉन, प्रोटॉन है ध्यान रखना, तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, दूसरे प्रोटॉन पे भी चार्ज प्लस ई होगा, उनके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसने कहा है सच दैट द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो रिपल्सन ही होगा, एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ ईदर। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रही है ना रिपल्सन फोर्स, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कूलंबियन फोर्स है, इलेक्ट्रिक कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई माने इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इनके वेट के ही बराबर है। ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में पढ़ के पता चला है, हर बार ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, हर बार कूलंबियन फोर्स वेट के बराबर हो नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस सवाल में मेंशन था ना कि इफ देयर इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इधर, किसी भी एक के वेट के बराबर, किसी एक के वेट के बराबर, और वेट होता है एमजी। यदि ये लाइन समझ में आ गई तो फिर इस सवाल में कुछ बचता ही नहीं है। बोलो समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स वही कूलम्स लॉ इज, हाँ शीट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिक्स कराऊंगा बेटा, शीट का क्वेश्चन नंबर वन है। तो पहले ये बताइए जो सवाल में पढ़ा उसको यहां ढालना आ गया समझ में, बस यही होता है न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इधर। जल्दी से हाँ या ना तो टाइप करो कुछ। चलिए नहीं करोगे टाइप, गुस्सा हो गए हो, आ गया, चलिए हाँ। तो एफ ई इसको क्या लिख दूं मैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये एम जी। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से आर स्क्वायर का बन गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम जी, ठीक है। अब आजी तो आर स्क्वायर इक्वल टू, जब मैं वहां देख रहा होता हूं तो मैसेज नहीं आते, टाइप कर दो, भीख मांग रहा होता हूँ टाइप करो, क्या पूछना है। अब मैं यहां पढ़ा रहा हूँ इतनी दूर से मैसेज नहीं दिखते मुझको, ये पता चलता है कि यहाँ पे मैसेज आया है। चलिए आर स्क्वायर, अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, के की वैल्यू 9 × 10⁻¹। जब कोई मीडियम नहीं दे रखा हो तो एयर मान के ही आगे कर लिया करो, ठीक। अच्छा उस दिन वाला भी नहीं हुआ, वो भी करा दूंगा, आज केवल सवाल ही कराऊंगा। क्यू वन क्यू वन ई क्यू वन क्यू वन माने चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹, और दूसरा भी क्यू वन भी वही है क्यू टू, 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन एम, एम किसका, जो प्रोटोन है, 1.67 × 10⁻¹⁹ −27, ये होता है। और जी ले लू बेटा 10 ले लू, थोड़ा आटे में नमक के बराबर बदतमीजी कर सकते हैं, नहीं फिर नहीं तो कैलकुलेटर से ही करना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बदतमीजी करना आप भी सीखो, ये काट दो। नहीं सर मैं नहीं काटूंगा, नहीं मैं नहीं काटूंगा सर, ये तो 1.67 है, ये 1.6 है। अरे थोड़ा बहुत ही तो अंतर है, आपको लग रहा है 1.6 में और 1.67 में 0.07 का अंतर है मात्र। तो अब एक्यूरेट निकालना है तो फिर कैलकुलेटर ही यूज करिए, नहीं तो मेरे साथ ये बदतमीजी करना भी सीखिए। तो आटे में नमक के बराबर झूठ चल जाता है, जब तुम 9.8 को 10 लिख सकते हो तो फिर इसमें ये तो फिर भी, जब ये पाप कर सकते हो तो ये तो फिर भी उसके सामने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये कट गया। तो देखो बेटा आर स्क्वायर, अब आप एक चीज देखना, ये 9 है ये 1.6 है, अब पावर पावर सॉल्व कर लो बस, क्योंकि ये 9 बचना है ये 1.6 बच रहा है, पावर पावर सॉल्व करोगे तो देखिए ऊपर तो आ रही है 19 × 38, 38 में से 9 के −29, केवल न्यूमरेटर न्यूमरेटर की जो पावर है सब, 19 × 38 माइनस की 38, उसमें से 9 घटा दो तो माइनस का 29 हो गया, फिर नीचे आ रही है माइनस का 26, नीचे जो पावर है −26 है वो ऊपर जाके +26 हो जाएगी, तो कुल मिला के फाइनली जो जोड़ घटा हुआ था वो −3 का बेटा, हिसाब किताब। अब एक और काम कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट को भी हटाना चाह रहा हूं, इसे 16 लिखना चाह रहा हूं, तो घर की खेती थोड़ी नहीं है, तो फिर मुझे एक इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, 1.6 की बजाय 16 का अंडर रूट आसानी से होगा, क्योंकि अभी अंडर रूट और मार रहे हैं ना। तो बताइए आर इसका 3 आसानी से आ जाएगा, इसका 4 आसानी से आ जाएगा, इसका 10⁻²− आसानी से आ जाएगा, क्योंकि तो सारी चीजें ऐसा यूनिट में थी, तो ये आंसर आर का मीटर में आ गया, 4 + 12 यानी पॉइंट, ये आंसर जो आया वो आया
आंसर 0.12 मीटर, ये है आंसर। चार दिए 12 और दो जीरो हटा दो। अब जब एक्चुअल आंसर देखोगे शीट का, वो आ रहा है 0.118 मीटर। कोई नहीं, इतनी तो हमें पहले ही पता थी जब हमने इतने बदतमीजी किए तो। ठीक है, है नहीं? ये स्क्रीनशॉट बेटा, कोई जिसका नेटवर्क से आ रहे हो स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे भेज देना बेटा। तो 0.118 मीटर। अब गौर से देखो, यदि मैं इसको राउंड ऑफ कर दू 8 को तो 0.12 ही तो रह जाएगा आंसर। ठीक है, किसी ने लिया बेटा स्क्रीनशॉट जिसका क्लियर आ रहा है वैल्यूज? किसी ने लिया? कोई हाँ ना लिख के भेजे कि किसी का एक साफ सुथरा, थोड़ा बहुत भी साफ सुथरा स्क्रीनशॉट आया? क्योंकि एक का नेटवर्क में इशू है तो वो शायद अभिषेक। हाँ तो बेटा अभिषेक मुझे भेज देना है ना, अभिषेक भेज देगा फिर ना सब भेजने लग जाते हैं। अभिषेक आप ही भेज देना। चलिए अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है, लेते चलो बेटा क्वेश्चन, करते चलो। क्वेश्चन है, थ्री इक्वल चार्ज, शीट को ही पकड़ा हुआ है मैंने, थ्री इक्वल चार्जेस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है थ्री इक्वल चार्जेस 2×10⁻⁶ ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट द थ्री कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द टू। सवाल समझा देता हूं मैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वैसे तो ये आपको करना चाहिए, फिर भी मैं एक करा देता हूँ क्योंकि एक बढ़िया सवाल लेके आऊंगा। जब तक उससे ना वार्म अप होती है ना, जब मेन एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते तो ये वार्म अप क्वेश्चन है। तीन इक्वल चार्जेस है, तीनों ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, तीनों की वैल्यू क्यू है, ए बी सी लिख देता हूँ, ए बी सी, और तीनों पे जो क्यू है वो 10⁻⁶ कूलम है, 2×10⁻⁶ कूलम। और ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है एल 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 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मैंने हैंड टू हैंड 5×10⁻² लिख के मीटर कर दिया। तो उसने बोला है फाइंड द कूलंबियन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द टू। वो ये कह रहा है किसी एक चार्ज को पकड़ लो, किसी एक चार्ज को पकड़ लो आप, किसी भी एक चार्ज को। मान लो मैंने ये पकड़ लिया, बताइए ये, अब बताइए इसको रजिया मान लेते हैं, अब देखिए इसकी इज्जत कौन कौन लूट रहा होगा, या अभिमन्यु मान लेते हैं कौन कौन प्रहार कर रहा होगा। एक तो बेटा इसका प्रहार जा रहा होगा ऐसे, क्योंकि तीनों एक जैसे चार्ज हैं, तो एक तो ये फोर्स लगा रहा होगा। सही है नहीं सही है? ये वाला एरो देखो, चेक करो। अब कलर तो बेटा आपको अलग दिखते नहीं है इसमें, फिर भी मैं अलग कलर से अपनी खुशी के लिए बना देता हूँ। ये क्या चीज है? ये है, अब मैंने 1 2, अच्छा 1 2 3 नाम देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसमें ना 1 2 3, तो बताओ ये फोर्स किस, ये इस फोर्स का नाम दे दो, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। बोलो यही तो है ना? ये वाला जो मैंने एरो आगे बढ़ा दिया है, इसने इस पर फोर्स लगा दिया, तो दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये था अभिमन्यु, अभी ये भी इसको चैन से नहीं जीने देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, अब बताना है ये वही पेयर, ये भी वही पेयर है, तो डिस्टेंस सेम है, तो हमें ये भी बताया कि फोर्स तो सेम आने वाली है, तो इसको नाम दे दिया मैंने फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो इस वाले पर एक तो ये फोर्स लगा रहा है, एक ये लगा रहा है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है या नहीं है? है भैया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर इम्पोज हो रही है दो फोर्सेस इस पे ये। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो निकाल लेंगे बेटा हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। वैसे इसमें पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं ये साबित कर दूंगा ये दोनों फोर्स बराबर है। तो जब दो फोर्स बराबर हो, जब दो लोगों की ताकत बराबर हो, तो रिजल्टेंट बीचो बीच आता है, रिजल्टेंट बीचो बीच आता है, याद है ना? चलिए इसका क्या नाम दे दूं, रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट। तो बेटा यदि क्योंकि टोटल एंगल 60 है, अच्छा मुझे कैसे पता चला कि टोटल एंगल 60 है? ये टोटल 60, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये सभी एंगल 60 60 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60, तो वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा एंगल भी 60 हो गया, यानी कंपोनेंट औलादों के बीच का एंगल, कंपोनेंट के बीच में 60, तो ये जो एंगल होगा वो 30 होगा। अब बस इसकी लेंथ निकालनी रह गई है, तो लेंथ निकालता हूं बेटा, इधर देखेंगे मजा आएगा आपको। बताना फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 वैल्यू इन दोनों के बीच में, बताना सही लिखा है या नहीं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एल स्क्वायर, देखना सही लिखा ना, इन दोनों के बीच की फोर्स के q1 q2
Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस L थी, L स्क्वायर, ये सही है ना बेटा? मैं आपका वेट करता रहा तो पता चला आप आए ना, मैं जवाब भी दोगे, हो गए, एक एक सवाल में 6-6 घंटे लगेंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखा, बस HA हाँ टाइप करके एंटर मार रहा था। क्या ये समझ में आ गया? फोर्स ऑन 3 Q2 1 का मैग्नीट्यूड ये होगा, है नहीं? चलिए अब गौर से देखना, फोर्स ऑन 3 Q2 2 भी यही होगा, फोर्स ऑन 3 Q2 2 मतलब ये वाली फोर्स, क्योंकि तो ये भी वही पेयर है, वही डिस्टेंस है। तो फिर मैंने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या कॉमन नाम दे दिया? F, ब्रैकेट में लिख दिया से। एक्चुअली कॉमन नाम देने का एक फायदा बताता हूं, कॉमन नाम देके मैं क्या फायदा, देखिए अब देयरफॉर, अब सुनो, एज ये जो रिजल्टेंट है वो, ये जो रिजल्टेंट है वो इन दो का ही तो रिजल्टेंट है, F32 और F31 का, F31 और F32 का वेक्टर सम है ना भाई। इस पैरेललोग्राम को देखो, ये जो रिजल्टेंट है ये औलादे हैं, ये पापा है। तो कल हम अब इसको इस तरह से देखो कि जैसे मैंने R = a + b लिख रखा है, R = a + b लिख रखा है, ऐसे इमेजिन करो, है ना? तो अब देखिए, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √a² + b² + 2ab cos θ लिखूंगा। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? फोर्स ऑन 3 due to 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब फोर्स ऑन 3 due to 2, ठीक है, प्लस 2ab 2, ए समझ रहे हो ना? बस ए और बी की जगह नाम किसने, चोला किसने पहन लिया ए और बी का? F32 cos, कौन बताएगा बेटा cos कितना लिखूं मैं यार, बताइए? थीटा तो आएगा लेकिन कितना cos, वो थीटा कितना है? यहां जो थीटा होता है वो होता है ए और बी के बीच का एंगल, कंपोनेंटों के बीच का एंगल, बिल्कुल सही खेल गया दीपक, ठीक है 60, क्या आएगा 60। अब आपको बताता हूं कि ये फोर्स बराबर है तो उनका नाम F लिख देता हूं, वो तुमको अब समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं इसको भी F लिख दूंगा, ये बड़े इरिटेटिंग नाम होते हैं, इसको भी F लिख लूंगा क्योंकि बराबर है, ये ना 2, इसको भी F लिख दूंगा, इसको भी F लिख दूंगा, कौन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैं भूल गया, नहीं 1/2 होती है। तो अब बताइए, इजीली हो जाता है, यदि बाय चांस कोई नाम सेम सा है तो उसे सेम मानो और आगे बढ़ाओ। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, एफ स्क्वायर बचेगा 3F², उसका रूट निकाल दो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो F√3 आ रहा है। लेकिन आंसर हम यहां नहीं छोड़ सकते आंसर में, क्योंकि ये एफ हमने थोड़ी देर के लिए सवाल को सस्ता करने के लिए मान लिया था। तो एफ की वैल्यू क्या लिखूं मैं, एफ की वैल्यू ये, एफ की वैल्यू K Q² L² √3। देखो मैंने एफ की वैल्यू लिख दी क्योंकि एफ की वैल्यू यही तो है, K Q² / L² और √3 ऑलरेडी था ही था। अब के की वैल्यू रख देना, अब बचा हुआ काम घर पे करना, 9 × 10⁻⁹ Q² यानी 2 × 10⁻⁶ उसका स्क्वायर अपॉन L² L की वैल्यू, देखो एक चीज ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए जो सेंटीमीटर में भी दिया था उसे मैंने मीटर में कर दिया, 5 × 10⁻²² का स्क्वायर और √3। अब ये इतना मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, अपने आप करना, फाइनल आंसर पेश कर देता हूं। ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 14.4√3 न्यूटन। जल्दी से बेटा, मैं सामने से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्लियर है पिक्चर बेटा? अब देखिए, एक जानदार शानदार मजेदार सवाल करवाने जा रहा हूं, जोर लगा के हैसा उस सवाल को कर डाला तो एकेडमिक लेवल के कोई भी सवाल सुपरपोजिशन का झिंगा लाला। अच्छा उस सवाल में इसने छूट क्या दी थी, उसने ये दिया था किसी एक चार्ज पर बाकी दो चार्जों की वजह से फोर्स निकालो, तो एक चार्ज ले लिया मैंने, बाकी दो से निकाल दिया। हाँ बेटा मैं मांग रहा हूं, जय बेटा मैं स्क्रीनशॉट मांग रहा हूं बेटा, टेंशन मत ले, मैं बस जो कर सकता हूं अपने हैंड से कर रहा हूं। और फिर देखो फर्स्ट, देखो एक चीज बताता हूं, फर्स्ट यूनिट की सुन बेटा, पैनिक मत कर जय, फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियो पब्लिकली डालूंगा मैं, फर्स्ट यूनिट की, और बाकी सारी यूनिट की वीडियो केवल इंट्रोडक्टरी 1-2 लेक्चर पब्लिक डालता हूं। तो इन वीडियो को वहां जाके फिर से नोट कर लेना, देख लेना, क्यों पैनिक कर रहे हो स्क्रीनशॉट, और तुम तो पेड़ बच्चे हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो आप मेरी, तो स्क्रीनशॉट का पैनिक मत किया करो। चलिए एक बढ़िया सवाल दूं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करा रहा हूं, रोक रहा हूं, शीट का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, ठीक है? बहुत ही शानदार सवाल है, बोर्ड में आ चुका है, इस पर 3 स्टार मार लेते हैं, ठीक है 3 स्टार।
वो है तीन पॉइंट चार्जेस है। टेंशन मतलब बेटा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द, हम जैसे ही टीचर है जो समाज में चेंज लाते हैं। आप देखना जो कहते हैं ना ऑनलाइन ऑनलाइन बेकार है बेकार है, ठीक है, ये ट्रेंड ही बदल दूंगा मैं, या हम जैसे, मैं बिल्कुल इस बात में तैयार हूं कि ये ट्रेंड बदलना चाहिए। जो लोग ऑफलाइन की मोह माया में जकड़े हुए ना, उनको जब तक ऑनलाइन के बेनिफिट नहीं आएंगे ना, देखो पढ़ने वाले बच्चे को तो ऑनलाइन का चस्का लगने वाला है, ठीक। अच्छा मैंने तीन स्टार बनाया बेटा, तीन वैभव, थ्री स्टार इंपॉर्टेंट है। अच्छा नए बच्चे से पता नहीं है, देख दूसरा स्टार तीसरा स्टार हो गए ना, तीन स्टार, दो स्टार, तीसरा स्टार, और पहला स्टार बेटा ये रहा बेटा, जिस सवाल के आगे मैं लग गया, हर सवाल पे हो एक स्टार तो ये भी है बेटा, है या नहीं है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब ये सब ऐड बाद में करूंगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ निपटाता हूं क्योंकि आज करना करवाने को बहुत है बेटा मेरे पास। थ्री पॉइंट चार्जेस, दिस टू माइनस थ्री एंड माइनस थ्री आर कैप्ट एट द वर्टिसेस ए बी सी। सवाल आपके पास भी, आप भी पढ़िए। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, यहां तो रखा हुआ है माइनस थ्री माइक्रोकुलम, यहां रखा हुआ है माइनस थ्री माइक्रोकुलम, और यहां रखा हुआ है प्लस टू माइक्रोकुलम। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ अभी देखो, नहीं ये थोड़ा अच्छा है, ये और अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज टू माइनस थ्री माइनस थ्री आर कैप्ट एट द वर्टिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। यदि इसकी साइडों को मैं एल 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 मानू, तो जो एल दे रखा है, मैं भूल गया अभी पढ़ा था, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अभी तो मैं क्वेश्चन को ऑपरेट बोल रहा हूं बस। हाँ क्या बेटा फीस, हाँ बात करूंगा बेटा, टेंशन मतलब शीट और फीस सब बात करूंगा, रुको अभी पढ़ाने दो मुझे। व्हाट शुड बी द साइन, अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सवाल की लाइन आप मन में दो तीन बार पढ़िए और फील करिए सवाल हमसे क्या चाह रहा है। चलिए मैं मदद करता हूं, वो ये कह रहा है। अच्छा ये बताओ एक मिनट सर, जितना क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोर्ड पे उतारा है, मैं आपसे पूछता हूं कि केवल एक रफ आइडिया बताओ, यदि ए हमारा सिस्टम हो, ए को रजिया मान लें या ए को अभिमन्यु मान लें, तो ए पर जो नेट फोर्स लगने वाली है वो किधर लगने वाली है, वो इधर किधर खिसकने वाला होगा ये बता दो अंदाजे से, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। अच्छा यदि मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, एक मिनट, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मजे की बात यह है कि मीडियन भी यही होता है, एंगल बाइसेक्टर भी यही होता है, ठीक है। ये पॉइंट एम है, एम क्या है बेटा, एम क्या है मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट। तो मुझे बताइए जितना सवाल अभी मैंने बोर्ड पे दिखाया है उस हिसाब से, यदि ए को अभिमन्यु माने, ए को रजिया माने, दो गुंडे इन्हें माने, तो ये गुंडे रजिया को किधर की ओर खींचेंगे। ए बी ए सी ए एम एम ए नाम दो, किस लैंग्वेज में आंसर दो। हाँ जी बेटा आकाश राणा बिल्कुल ठीक, तो ये दोनों गुंडे इस रजिया, एक्चुअली हुआ क्या, बिल्कुल ठीक, इतना तो आपको फिर आ गया। तो मैं बेटा यहां बनाता हूं, ये जो गुंडा है रजिया को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, एक एरो, तो इस गुंडे का नाम लिख दिया मैंने, इस फोर्स का फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिख रहा है ना बेटा कैमरे पे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे ये जो गुंडा है ये भी रजिया को अपनी ओर खींचेगा, और इसका नाम रख दिया मैंने फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, जिसके प्रभाव से जब मैं रिजल्टेंट निकाल, अच्छा मजे की बात ये है, थोड़ा सा तुरंत फील हो जाता है, फील भी लेके आई है क्योंकि तुमको आइडिया हो गया जितना, जो ये पेयर है जिस कंफ्यूगेशन का ये पेयर है वही कंफ्यूगेशन ये, तो ये दोनों फोर्स भी बराबर आने वाली है, यानी दोनों गुंडे बराबर, क्योंकि ये भी माइनस थ्री ये भी माइनस थ्री, ये भी इस चार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी 20 की दूरी पर, तो दोनों की फोर्स बराबर रहेंगी, तो बराबर फोर्सों का रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो ये जो रजिया है, भले ही आप पैरलोग्राम बना लीजिए, टेक्निकली पैरलोग्राम मैंने बना लिया जो है तमीज, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी इधर। ये क्या चीज है बेटा, ये जो एरो मैंने बनाया है ये है रजिया, इधर खिसकेगी, यानी जो ए पर चार्ज है वो इधर खिसकने लग जाएगा। दिस इज आर रिजल्टेंट फोर्स, वैसे ठीक है ना,
यहां तक क्लिक कर गया, लेकिन इसमें रिजल्टेंट पूछा होता तो सवाल हम यही रोक देते, मतलब रिजल्टेंट निकाल के खत्म कर देते। उसने बस थोड़ा एक स्टाइल और एक चीज और ऐड कर दी, तो इसके लिए हमारी एक मेहनत और बढ़ जाएगी। अब बताइए यहां पर वो कह रहा है कि एक हीरो लेके आइए, यन्ना रासकला रजनीकांता, एक हीरो लेके आना है जो इस रजिया की लुटती हुई इज्जत को बचा सके। मतलब समझना कि वो ये कह रहा है यहां एम पर आप एक ऐसा चार्ज रखिए, राजपाल यादव नहीं रखना, हल्का सा, कम से कम ऐसा चार्ज रखना है जो इस रजिया की लुटी हुई इज्जत को बचा सके। तो अब आप बताइए, यानी ये जो दो गुंडे थे वो रजिया को इधर लेके आ रहे थे, तो ये हीरो को इस लड़की की, इस रजिया की इज्जत बचानी है, तो इस हीरो को पहले बताइए, इस हीरो को यदि इस रजिया को इधर आने से कितने से बचाना है, यानी कंफर्म कर दो एक बार, वीडियो आ रही है क्या आपकी? हाँ बेटा मेरी वीडियो आ रही है क्या? आ रही है बेटा, मेरे को यहाँ पे क्लियर दिखता है ना, आ रही है बेटा मेरी वीडियो में कोई इश्यू है क्या? पहले तो मेरी वीडियो में कोई इश्यू है क्या? एक मिनट बेटा जल्दी आप लोग बताइए। देखो हाँ नहीं बेटा कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा दोपहर में नेटवर्क इश्यू रहते भी हैं और लोगों के जो नेटवर्क मोबाइल से पढ़ते हैं ना, ठीक है चलिए ठीक है बेटा, बाकी सबको ठीक आ रही है। तो अब बेटा थोड़ा सोचो, अब आप बन जाइए हीरो, सोचो एक लुटती हुई लड़की की इज्जत बचानी है और आप हीरो बन जाओगे, तो बताइए यहां पर जो चार्ज है वो किस साइन का होना चाहिए? ये तो कितना इजी है बताओ, इसका यहाँ पे चार्ज आपको रखना है। जी हाँ आकाश, आज तो आकाश फॉर्म में बेटा, यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए किस साइन का होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो, आपका दिमाग चलना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि अब मुझे ये, अच्छा तो पहले ये रख देता हूं, माना मैंने यहां चार्ज रख दिया QM, क्या चार्ज रख दिया QM, मतलब M पे रखा है तो QM, अब ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, जिससे कि अब ये इस पे जब, अब ये इस पर फोर्स लगाए तो ये इधर लगाए, इधर ये ऐसे, और उतनी लगाए, ये नहीं कि जोश में ज्यादा लगाए, यहां हमें ऐसे नहीं कि हीरो को लड़की लेके नहीं भरना, हीरो को बैलेंस करना है, मतलब ये हिंदी फिल्म की तरह नहीं करना कि ये हीरो गुंडों से बचा के फिर उससे प्यार हो जाए वो लेके भग जाए, तो ये जो एरो है उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितनी ये है। तो इस फोर्स का नाम मैंने दे दिया, इस वाली फोर्स का नाम फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम, देखना बेटा दिख रहा है, ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, मैंने ब्लू कलर यूज कर लिया है तो थोड़ा ब्लू कलर में विजिबिलिटी कम होती है, लेकिन चलो अपनी देखो ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, अलग अलग कलर है इस वाले, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम। तो अब आपको इस चार्ज का साइन तो आपने बता दिया, अब इस चार्ज की वैल्यू आप ढूंढ के बताइए, कैलकुलेट करके बताइए, और मैं यहां वीडियो को जय कर रहा है। अब बेटा तू थोड़ा लेट हो गया बताने में है ना, थोड़ा नवी, और फिर केवल जय कर रहा है, दीपक कर रहा है, राघव कर रहा है, भैया 11 नहीं, अच्छा कई क्वेश्चन था बेटा, इससे ज्यादा देर लग रहे हो तो सर मैं कार में हूं, अच्छा तो कार में क्वेश्चन करने में मना होता है क्या? 12×10 तो पावर -2√3, ये क्या लिख रहा है दीपक, रहने दे। अब देखिए यहां आंसर आएगा 2.25, चलिए मैं फटाफट बताता हूं कैसे आया, मैं फटाफट बता रहा हूं कैसे आएगा, देखिए अब सुनो फटाफट, मैं अब थोड़ा बदतमीजी से बता लूं, बदतमीजी से मतलब पहले इस आर को निकाल दे, बदतमीजी का मतलब इस आर को निकाल दे, बताइए आर किस किस का रिजल्टेंट है, एफ ए बी, तमीज देखनी है तो नोट्स देख लेना और आप भी तो सीखिए लिखना, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूं कि इन दोनों ने कितनी फोर्स लगाई उसका रिजल्टेंट, तो ये आर बताओ, क्योंकि आर इन दोनों का रिजल्ट, अच्छा हाँ एक चीज और बताइए, ये जो एफ ए बी होगा, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर का रोल एल प्ले कर रहा है ना, एफ ए बी ये होगा ये, अब बताइए एफ ए सी बी यही तो होगा, ये वाली फोर्स ये भी यही होगी, क्यों सर यहां पे फिर क्यू सी लगाओ, क्यू सी लगाओ ना फिर, लेकिन आप जानते हो ठीक है मान लिया ए और सी के बीच की फोर्स में जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो सब कुछ ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ क्यू सी आएगा, लेकिन क्यू बी और क्यू सी मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों फोर्स बराबर,
और फिर जब कोई चीज बराबर आती है तो मैंने क्या बोला हुआ है पिछले सवाल से, एक कॉमन नाम दे दिया करो, एक कॉमन नाम दे दिया एफ। तो इसलिए सिंस बहुत दुख हुआ कि इतने सारे बच्चों ने सवाल का आंसर नहीं निकाला। ये आर, ये जो आ रही है ये आर किस किस का रिजल्टेंट है? एफ ए बी प्लस एफ ए सी, इनका वेक्टर सम है बेटा, वेक्टर सम। ये अपनी फिजिक्स की ग्रामर है अपनी कि ये इनका रिजल्टेंट है। तो इसलिए ये रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सीधे एफ लिख दूं, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ये एफ इंटू एफ कॉस। जल्दी बोलो, मैंने कहा ना थोड़ा बदतमीजी से कराऊंगा, स्पीड से कराऊंगा। तो कॉस 60, ये हो गया कॉस 60। तो पिछली बार की तरह ये रिजल्टेंट आ गया एफ रूट थ्री, एफ रूट थ्री और अलोंग एम। कैसे पहचाना? अच्छा, कैसे आपने कंफर्म किया? क्योंकि दो बराबर ताकत के लोगों का रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो बीचों बीच यानी एंगल बाइसेक्टर होगा वो पक्का मिड पॉइंट को ही मिलेगा, तो ये अलोंग ए एम हो गया। अब मान लो मैंने एक चार्ज, वो लैंग्वेज मैंने कहा ना थोड़ा बदतमीजी से कराओ, वो लिख देना, लेट अ चार्ज क्यू एम इज कैप एट पॉइंट एम, यहां रख दिया, सो दैट ये अब अपनी भी फोर्स इस पे घुसाएगा। तो टू कीप द चार्ज एट ए, टू कीप द चार्ज एट ए, जो चार्ज ए पर है, टू कीप द चार्ज एट ए एट रेस्ट या एट इक्विलिब्रियम, आपको क्या, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स थी जो, वो जो गुंडों ने इज्जत लूटी थी रजिया की, वो एफ ए एम के बराबर होनी चाहिए। बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं? ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, ये दो गुंडों ने खींचा और ये वाली फोर्स जो इस हीरो ने लगाई, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम मस्ट बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ टू गुंडाज। अब ये तो तुमको पता है, ये एफ रूट थ्री है ना, आर की वैल्यू एफ रूट थ्री, और एफ एम इसकी वजह से इस पे फोर्स कितनी होगी? के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए एम स्क्वायर। देखना कूलाम्स लॉ, इन दोनों के बीच का कूलाम्स लॉ तो यही लगेगा ना, के क्यू वन, इन दोनों के बीच का कूलाम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। होप कि आपको ये क्लिक कर गया। तो के की जगह के, क्यू ए की जगह क्यू ए, क्यू एम की जगह क्यू एम, ए एम। अब ए एम एक चीज सोचिए, बचपन की एक ज्योमेट्री याद आ रही हो तो, याद है बचपन की ज्योमेट्री? यदि ये साइड आपको पता हो ए हो, याद करो, यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी सभी साइड है ए हो, तो ये एच जो इसमें ए एम बन के बैठी हुई है, जो ये एच, एच बराबर होता है रूट थ्री बाई टू ए। बोलो होता है या नहीं होता? याद करो, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो ये होता है एच बराबर रूट थ्री अपॉन टू ए। और आपको तो एच स्क्वायर करना है, तो एच स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब सोचो क्या करूंगा मैं, थ्री अपॉन ए एम स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं थ्री अपॉन फोर एल स्क्वायर। ये समझ में आया स्टेप नहीं? जल्दी से हाँ या ना बोलो, जल्दी से हाँ या ना बोलो। ये वाला स्टेप समझ में आया कि ऊपर न्यूमरेटर तो मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन जो ए एम है उसके लिए ये स्टेप रख दिया, सिंपल है। अब इधर आ जाइए, इस एफ की वैल्यू कितनी थी? ए हट्टू यहां से अभी जगह नहीं है, के क्यू ए क्यू बी अपॉन एल स्क्वायर, और ये रूट थ्री। ये मीटिंग जाने वाली है, उससे पहले जल्दी से निपटा लो इस सवाल को, अभी तो नहीं, अभी 3-4 मिनट है। इधर इस एफ देखो, रूट थ्री रख दिया और इस एफ की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, ये रही। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो पिट रहा है उसे पीट दो। देखो के क्यू ए एल स्क्वायर कट गया, कट गया ना, तो जो क्यू एम बच रहा है वो आ रहा है थ्री बाई फोर क्यू बी रूट थ्री। ये आ रहा है बेटा, क्यू एम की वैल्यू आ रही है थ्री बाई फोर क्यू बी रूट थ्री, और क्यू एम थ्री बाई फोर क्यू बी का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू बी का मैग्नीट्यूड थ्री माइक्रो कूलम, कितना है? थ्री माइक्रो कूलम इंटू रूट थ्री।
तो सॉल्व करो, 3 3 9, 9 से डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 2.25 माइक्रो कूलम आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर? ये था आंसर, और ये QM हो गया, बाद में प्लस और लिख देना क्योंकि आप सेटिस, क्योंकि आपने वो आर्ग्यूमेंट दिया ना कि QM प्लस होना चाहिए, तो QM प्लस का इतना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बस बेटा इसमें मैंने बदतमीजी ये की है कि थोड़ा लैंग्वेज का बीच में इस्तेमाल करना, एग्जामिनर को ये मान के चला करो कि उसे कुछ नहीं आता, एक एक लाइन लिख के बताया करो, समझाया करो कि क्या हुआ, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ले बेटा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो बीच में मिस कर दिया मैंने, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन बोल तो देता ही हूं फिर मीटिंग चली जाएगी, उसके बाद सेकंड मीटिंग में उसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पढ़ो बेटा, जब तक ये भी बोर्ड में कई बार आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक चार्ज क्यू है इज प्लेस्ड बिटवीन टू कैपिटल क्यू चार्ज, ये रहा कैपिटल क्यू चार्ज, ये रहा कैपिटल क्यू चार्ज, और इनके मिड पॉइंट पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू, साबित करिए द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। साबित करना है कि ये सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा यदि क्यू की वैल्यू -Q/4 होगी, तो यदि इस क्यू की वैल्यू -Q/4 है तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस मीटिंग को लेफ्ट कर रहा हूं मैं और दूसरी कनेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं। हाँ रिकॉर्डिंग लगा दी बेटा, थैंक यू बेटा, रिकॉर्डिंग लगा दी। कि एक सिस्टम है इसमें 3 चार्जेस हैं, 2 तो एक जैसे चार्ज एंड पर है और एक स्मॉल क्यू चार्ज जो एग्जैक्टली बीचों बीच है। वो कह रहा है कि ये सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये साबित करो, प्रूव करना है हमें ये। तो बेटा हम में से कई लोग 11th धोखे आए हैं बिल्कुल। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बता दूं, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है, क्योंकि हम बेटा केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ नहीं रहे तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, इस समय ये मैकेनिक्स चल रही है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी सिस्टम पर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम तब बोला जाता है जब उस सिस्टम पर ना तो कोई फोर्स हो और ना कोई टॉर्क हो। लेकिन मजे की बात, जब तक ये यूनिट पढ़ रहे हो तो आप पॉइंट चार्ज ही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? पॉइंट चार्ज। तो जो एक चीज वो थोड़ा आप अपने आप ढूंढना, क्योंकि सारी चीजें मैं 11th की नहीं बता पाऊंगा। जो पॉइंट साइज की बॉडी होती है ना, बिल्कुल पॉइंट, थैंक गॉड उस पे तो टॉर्क हमेशा 0 होता है। मतलब जो पॉइंट साइज की बॉडी होती है ना, अच्छा अच्छा एक मिनट खुद सोच के बताओ, यदि कोई पॉइंट साइज की बॉडी है, वाकई पॉइंट साइज की है, यदि वो घूमेगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो घूम रही है। अच्छा सोच के देखो, यदि वो घूम भी रही होगी, पॉइंट साइज की बॉडी है, इमेजिन करो, उसका चलना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई पॉइंट यहां से यहां खिसकेगा उसका चलना तो दिख जाएगा, लेकिन क्या उसका घूमना नोटिस कर पाओगे? आप ऐसे समझो, उसका घूमना दिखेगा ही नहीं। हालांकि उसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। जो पॉइंट साइज की बॉडी होती है ना, जब उन पे ये टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तो पॉइंट साइज की बॉडी, अच्छा मैं शायद गलत वर्ड बोल गया, रोटेट, सॉरी माय मिस्टेक, घूमना अलग, देखो ये तो सर्कुलर मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है ना, रोटेट करना, रोटेट करना, माय मिस्टेक आई एक्सेप्ट, रोटेट करना, घूमने से बच्चा कंफ्यूज हो गया, वैसे मैं अंदर से बोलना यही चाह रहा था। तो उसका रोटेट करना, किसी भी पॉइंट साइज की बॉडी का ना रोटेट करना, वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा पंखा इतना बड़ा होता है, उसका घूमना दिखता है हमें, पंखा यदि छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए पॉइंट साइज, उसका घूमना, घूम रोटेट करना नहीं पता चलेगा। तो थैंक गॉड टॉर्क को इस पूरी यूनिट में 0 ही रहने वाला है लगभग, ठीक है। रोटेट करते हैं तो 0 मानते हैं ना बेटा, नहीं समझा? ठीक, चलिए अब सुनिए, रोटेट कर, मेरी बात नहीं समझे, चल आगे समझ में, थैंक गॉड। तो अब बताइए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ क्या रहेगी इस सवाल में? इस सवाल में केवल फोर्स 0 होगा, केवल फोर्स 0 होगा, यही हमको बस
इसी इक्वेशन में काम लेना है। हाँ हाँ केवल फोर्स की, तो चलिए तो अब ध्यान रखना टॉर्क की चुल नहीं करेंगे हम ऐसे सवालों में, टॉर्क की चुल लेकिन दिमाग में जरूर रखना है, क्योंकि पता है जब हम कंपटीशन पढ़ते हैं तो आप गाली देते हो मास्टर को, मास्टर ने तो इक्विलिब्रियम ये बताया था फोर्स जीरो, मास्टर ने बताया था टॉर्क जीरो, लेकिन टॉर्क जीरो को हम यहां लेते नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो है। चलिए अब तसल्ली से देखना, एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। आप ये बताइए ये जो रजिया है, यदि हम इसको रजिया माने, बीच में जो क्यू है, क्या लगता है मैं इनका ना तो आपको साइन बता रहा ना मैग्नीट्यूड बता रहा, ना तो मैं ये बता रहा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मैं ये बता ही नहीं रहा हूं। हाँ लेकिन इतनी बुद्धि लगाना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों का साइन तो एटलीस्ट एक सा होगा, मतलब ये प्लस है तो ये तो प्लस ही होगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा। हाँ इसके साइन की कुछ नहीं कह सकते कि इसका साइन इस जैसा है इसके अपोजिट है। तो अब आप बताइए थोड़ा सा मेरी मदद करिए, ये जो क्यू है ये मजे में है या नहीं है, क्या इसकी इज्जत लुट रही है, क्या इस अभिमन्यु पे, मतलब इसको अभिमन्यु माने तो इस पर नेट फोर्स कितनी है, इस पर नेट फोर्स कितनी है, सोच के बताइए कितनी है नेट फोर्स। जय बिल्कुल ठीक, सूरज वेरी गुड, आकाश वेरी गुड, जय बिल्कुल ठीक, राम गोपाल बिल्कुल ठीक, सही सोच गए, रोहताश बिल्कुल ठीक, चलो अच्छा लग रहा है एक्शन में आ रहे हो आप लोग, दीपक बिल्कुल ठीक, शाबाश। यानी हाँ बेटा निहार का कह दे मैं कार में बैठी हूं इसलिए नहीं दे पा रही हूं, इसमें सिर्फ जवाब दे रहा था सोचना था, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो रहने वाली रहेगी। तो देखिए बेटा एक चीज लिख रहा हूं मैं, इसमें एक चीज लिख रहा हूं, पहली बार क्यू इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, जो स्मॉल इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम व्हाटएवर बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड Q। क्या ये डायलॉग कंफर्म समझ में आया है नहीं, कि Q और Q का कुछ भी साइन हो कुछ भी मैग्नीट्यूड हो ये तो इक्विलिब्रियम में रहने ही रहना है, ये तो बहुत सिंपल बात है। क्योंकि बेटा एक्चुअली क्या होगा, लो मैं बताता हूं, ये तीनों ये यहां बताता हूं, उसे गंदा नहीं कर रहा, ये Q ये Q ये Q, यदि ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इमेजिन करो, तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये भी इसको इधर धक्का देगा, हो गया नेट फोर्स जीरो। ये क्योंकि बीच में डिस्टेंस भी एक जैसी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक जैसी है, तो इसके द्वारा लगाई गई फोर्स और इसके द्वारा लगाई गई फोर्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई इस पे कैंसिल। मान लो आप ये मान लो कि ये दोनों प्लस क्यू है और ये बहन जी माइनस क्यू की है, तो अब क्या होगा, ये इसे खींचेगा ये भी उसे खींचेगा, तो ये तो आप मानना पड़ेगा कि इसके तो मजे है, ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो थैंक गॉड सवाल में आपको एटलीस्ट इस पर ध्यान नहीं देना। फिर इसमें इक्विलिब्रियम में क्या कमी है, देखो लैंग्वेज को सुनो, यदि क्वेश्चन ये कहता है कि क्यू कब इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारा ध्यान सिर्फ क्यू पर होना चाहिए, कैपिटल क्यू कब इक्विलिब्रियम में होगा तो आपका ध्यान सिर्फ कैपिटल क्यू पर होना चाहिए, लेकिन जब उसने बोला है कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, इन तीन चार्जों का सिस्टम, तो इस सिस्टम में मौजूद हर चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी ठीक है और इस पर भी, इसकी कहानी तो क्लियर कट हो गई। अब देखिए अब इसको अपना ध्यान ना हो, यदि हम सिस्टम इसको माने या इसको मान लेते हैं, इसको यदि ये डिस्टेंस आर है तो नो डाउट ये भी टेक्निकली आर हो गई। अब बताओ ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा ना, दिख जाए बेटा मेरा कलर पेन मेरी मेहनत दिख जाए, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये रिपल्सन ही लगाएगा, भले ही हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर ये तो पता है ना कि ये दोनों सेम साइन के हैं, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इधर ही लगाएगा और कोई चॉइस ही नहीं है। अब बताइए इस पर कोई और भी है जो इसके साथ खेलना चाहता है, ये बताओ मुझे बताओ, क्या कोई और भी है जो इस पर फोर्स लगाएगा, ये आप सुनिए आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये तो ढीठ है ये तो इधर ही लगेगी फोर्स, हमें ये भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो इससे क्या हम उम्मीद करें, इससे क्या रिक्वेस्ट करनी है, ओ बैन तू इस पे इधर फोर्स ना लगा के इधर लगा ले यार प्लीज यार, वही ऑलरेडी उधर लगा रहा है तू कर दे इधर, क्योंकि तो तूने भी यदि उधर ही फोर्स लगाई
तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि तो जब दोनों फोर्स एक ही दिशा में होती है तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स आई जाएगी। तो इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्यू प्लीज, ओ क्यू प्लीज तू मान जा यार, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो क्यू ने कहा चल मान गया। तो अब आप बताइए इस क्यू को इस पर रिपल्सन लगाना चाहिए या अट्रैक्शन लगाना चाहिए टू कीप दिस चार्ज इन इक्विलिब्रियम, इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, क्योंकि इसने तो बात मानी नहीं, मैं तो रिपल्सन लगाऊंगा भैया। हाँ जी बेटा ठीक, आकाश आकाश दोनों आकाश, राणा चौधरी रोहताश बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है, बढ़िया पढ़ा लेता हूं। मनीष ने अब आंसर दिया, छवि ने पहली बार आंसर दिया है, चलिए दीपक जी। तो अब सुनिए बेटा हमें यदि, अब देखिए हमारे अप्रोच सवाल के अकॉर्डिंग एटीट्यूड, हम चाहते हैं कि इस चार्ज से, ये तो माना नहीं, ये तो डी टू, तो उसने कह दिया मैं तो भैया रिपल्सन ही दूंगा, धक लात मार दी, धक धक उसने लात मार दी इधर। लेकिन ये अब इसको यदि इक्विलिब्रियम में चाहता है तो हम इससे ये उम्मीद करते हैं कि तू ये कर दे, इसको नीचे लिख देता हूं, दिस इज फोर्स ऑन क्यू डी टू क्यू, और ये वाला एरो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू सिंबल। मैं बोलने में क्यू क्यू एक सा रहा है इसलिए देखते भी रहिए, बोलने में एक सा रहा है लेकिन देखते भी रहिए। तो अब बताइए यदि ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है टू कीप द क्यू इन इक्विलिब्रियम, तो ये और ये सेम साइन के होंगे या अपोजिट साइन के होंगे। बस सवाल हो गया बेटा, बाकी कुछ नहीं बचता इस सवाल में। जी हाँ, तो देखिए बेटा नाउ टू कीप द चार्ज कैपिटल क्यू, सुनिए नाउ टू कीप द चार्ज कैपिटल क्यू, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों पे एक जैसी फिजिक्स चल रही होगी, आप चेक कर सकते हो, ये वाला फिगर एज इट इज इस पे आ रहा होगा, हमने बनाया नहीं है। नाउ टू कीप द चार्ज क्यू इन इक्विलिब्रियम सबसे पहली बात क्यू मस्ट बी अपोजिट, क्यू मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, क्यू मस्ट हैव अपोजिट साइन एज दैट ऑफ कैपिटल क्यू। बोलो पल्ले पड़ गया, यदि आप चाहते हो कि ये भी इक्विलिब्रियम में रहे तो पहली चीज इसको इसका अपोजिट होना पड़ेगा, यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड कहानी केवल साइन अपोजिट होने से नहीं हो पाएगी, एंड देखना बेटा क्या ये लाइन भी समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये लाइन भी समझ में आ गई कि नहीं, साइन अपोजिट, यदि तुमको क्यू इक्विलिब्रियम में रखना है, क्यू को इक्विलिब्रियम, इस चार्ज को आप चाहते हो इक्विलिब्रियम में हो, तो ये चार्ज एक तो इसके अपोजिट हो, और ये फोर्स और ये फोर्स, ये जो दो एरो लग रहे हैं ये बराबर भी हो, मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो, उससे क्या होगा टू कीप इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम भूल मत जाना, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, पर टॉर्क का भी कोई रोल है नहीं ना इसमें, चलिए तो एफ क्यू और ये बराबर होने चाहिए। तो अब बेटा करिए करिए सवाल, इसमें कूलम्स लॉ लगाइए, इसका कूलम्स लॉ, चलो इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगा रहा हूं, इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ क्या लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज क्यू ये क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस आर, और एफ क्यू क्यू इन दोनों के बीच की फोर्स, ये वाली फोर्स क्या लगेगी, के क्यू दूसरा भी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, भाई ये फोर्स है नहीं इन दोनों के बीच जो कि 2r है उसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सब कट पिट जाएगा, यहां बच्चे एक लाइन अपने आप खर्च करना, q इक्वल टू कैपिटल q अपॉन 4, यानी इसने q का मैग्नीट्यूड निकाल के दे दिया, इसने इस सेकेंड इक्वेशन ने यह बता दिया कि इस q का मैग्नीट्यूड इस वाले q के मैग्नीट्यूड का 1/4 होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बुद्धि लगाओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ये फर्स्ट ए, एक बार मैं हट रहा हूं और देखना, फर्स्ट एंड सेकेंड क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि फर्स्ट ने ये बताया है कि क्यू का जो साइन होगा वो कैपिटल क्यू के अपोजिट होगा, और सेकेंड इक्वेशन मैग्नीट्यूड निकाल के दे रही है। कूलम्स लॉ से ना कभी भी चार्जेस का साइन नहीं निकलता, क्योंकि हम उसमें मॉडुलस फेल देते हैं, तो कूलम्स लॉ कभी साइन नहीं जस्टिफाई कर सकता, साइन आपको आर्ग्यूमेंट से ही निकालने होते हैं,
चाहे वो पिछला वाला सवाल था कि एम पर किस साइन का चार्ज रखें, तो अभी बोलो इसने मैग्नीट्यूड निकाल के दे दिया और इस आर्ग्यूमेंट ने बता दिया कि क्यू। अच्छा इसको और इसको लिखने में अंतर समझते हो ना, लिखने का अंदाज समझो इसमें, इसमें अंतर क्या है। ठीक है ये कह रहा है कि अच्छा यहां कैपिटल क्यू की जो भी वैल्यू रखोगे स्मॉल क्यू की उसमें माइनस लगा के आएगी, क्यू को प्लस रखोगे तो क्यू माइनस आएगा, क्यू को माइनस रखोगे तो माइनस एक और बार है वो माइनस माइनस प्लस आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से, अब इसमें बेटा एक ही सवाल है जो थोड़ा स्टैंडर्ड का है उसको मैं अभी बाद में कराऊंगा, अब एक एनसीईआरटी का पकड़ लेता हूं। देखिए होमवर्क क्वेश्चन है, वैसे वैसे तो मैं खुद कोशिश करूंगा नवा क्वेश्चन नाइन्थ का मैं खुद ही कराऊं, है ना, अब मेरी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कठिन सवाल देता हूं, बहुत ही कठिन सवाल देता हूं, अब देखना क्वेश्चन नंबर है पेज 46 एनसीईआरटी, खोल लीजिए कांग्या मेरा डस्टर ये रहा। साथ साथ पढ़ोगे मजा आएगा फिजिक्स में। देखिए पेज 46 खोल लेते हैं, बहुत ही कठिन सवाल, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1.6 पेज 46 एक्सरसाइज का 1.6 डस्टर बाहर खड़ी है आपकी, नहीं बेटा डस्टर कहाँ बेटा, मेरा रिक्शा बाहर खड़ा है, ट्री ट्री अभी देखना एक ट्री वाला वीडियो भी डालूंगा कभी अपने इंस्टा पे, एक ट्री वाला वीडियो भी, मुझ पे मीम मतलब ऐप नहीं आती, दिमाग में आइडियाज तो आते हैं मेरे पास। चलिए 1.6 करना चालू कर दीजिए अभी, क्या अभी आज जा माजी सट के लिए करिए, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी है। तो क्या था ये, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं था, ठीक है केवल बुद्धि और आईक्यू का सवाल था कि एक स्क्वायर दे रखा है, है ना, और यहां पे क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, क्यू ए कितना दे रखा है हमारा 2 माइक्रो कूलम, क्यू सी -5 माइक्रो कूलम, क्यू बी सॉरी ये 2 माइक्रो कूलम और ये -5 माइक्रो कूलम। उसने बोला है अब की बात चार गुंडे हैं और वो कह रहा है रजिया बिचारी इसके सेंट्रोइड पर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, साइड भी लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां डायगोनल मिलते हैं, यहां डायगोनल मिलते हैं। बेटा मेरे हाथ से थोड़ा टेढ़ा खिंच जाए तो उसको माफ करना है ना, ये अब इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते ना हाथों से। यहां पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम, इस बार रजिया चार गुंडों में फंसी हुई है ना, चार गुंडे हैं। अब बच्चे कुछ बच्चे तो सोचते ही गाली देते हैं मास्टर को, दो दो चार्जों से जब रजिया फंस रही थी तो मास्टर ने खुद करा दिया, तीन से भी खुद करा दिया, और यूं कह रहे हैं जब रजिया चार से फंस रही है तो खुद कर लो, ऐसी इसी बात की फीस दी है सर हमने आपको। तो चलिए बेटा ये सवाल एक्चुअली आसान है, बहुत आसान है सिमिट्री की वजह से, क्योंकि आप फील करो मैं ओरली बता रहा हूं, लेकिन पेपर में ओरली नहीं करना। एक बच्चा फेल हो गया, मैंने पूछा यार तू तो कह रहा था पेपर बहुत आसान है ना, तू फेल हो गया, अरे सर इतना आसान था पेपर ओरली कर आया, ये इतना आसान है कि ये ओरली हो जाएगा, ये चार्ज इस रजिया को ऐसे फेंकेगा, चल यहां से इसे पसंद ही नहीं आ रही रजिया, धक्का दे रहा है रिपल्सन, क्या नाम है इसका फोर्स ऑन ए, नहीं ए क्यों ये तो ओ नाम देता हूं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, मतलब यहां यदि इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे दूं तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए ऐसे तो लगेगा। अब आप इस पे मत जाओ, इस पे जाओ पहले, ये भी वही चार्ज है टू, उसी चार्ज पर उसी रजिया पर वही डिस्टेंस है, तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगा देगा, तो बताइए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, बोलो फोर्स कैंसिल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, कैंसिल हो गई, मजे आ गए, अभी दो और बची हैं। हाँ ये गुंडा है ये जो सी, ये रजिया को ऐसे खींचेगा, अच्छा इसका एरो थोड़ा बड़ा बनाना, आप देख रहे हैं ना ये एरो थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, लेकिन इसका एरो बड़ा बनाया है मैंने, कोई बताएगा रीजन, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, मैंने ये एरो बड़ा क्यों बनाया है, इनसे बड़ा क्यों बनाया है, ये वाला जो ऑरेंज कलर का एरो है मैंने तो ऑरेंज मारा है,
ये इस वाइट वाले से बड़ा क्यों बना है? क्योंकि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से थोड़ी दमदार आएगी। हाँ, क्योंकि ये टू और वन का पेयर है, टू और वन का पेयर है, और ये वन और फाइव का पेयर है। फाइव बड़ा है बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या, इसके तगड़े होने का कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि इसके अपोजिट में जो गुंडा है वो भी उतना ही तगड़ा है, ये भी उतना ही तगड़ा निकला। दिस इज फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। तो आप समझदार हो ना, ये आप लैंग्वेज में कर सकते हो, ओरली तो नहीं करना, लेकिन लैंग्वेज में करना है कि दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दिया था शायद एक्सरसाइज का वन, वो एग्जाम्पल का 1.7 करेंगे, एग्जाम्पल का 1.7। लेकिन अब मैं शीट का एक बढ़िया सा सवाल कराता हूं, है नहीं, बहुत हो गई अब चटर पटर। क्वेश्चन नंबर 9 ही करा रहा हूं, सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि बीच के क्यों नहीं करा रहे, बीच के लिए आप बुद्धि लगाना, कुछ काम अपने आप करो, और दिमाग बेटा जितना मेहनत करोगे उतना शार्प होती है बुद्धि। तो मैं केवल एक नौवा क्वेश्चन के लिए, जहां आप फंसोगे तो वो मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा उस दिन वाला भी बताऊंगा, हाँ पहले अभी ये बता, हाँ बिल्कुल। अच्छा नौवे सवाल के बाद मेरे पास कुछ नहीं होगा, फिर मैं वो बता दूंगा, ठीक है। हाँ वो रह गया था जो मैंने ग्रुप में भेजा था, तू जब तक मेरे व्हाट्सएप पे वो सवाल दोबारा भेज, मुझसे डिलीट हो गया है, जब तक वो सवाल मेरे व्हाट्सएप पे दोबारा भेज देना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 9 कह रहा है। अच्छा बताइए, मैं 9 समझा दूंगा। एक रिजिड सपोर्ट है, एक कील हल्की सी निकल रही है, उस पर दो धागे लटक रहे हैं, है ना, दो धागे हल्के हल्के, उस पर दो बॉल है, तो क्या बॉल ऐसे आके, बताना जनरल लाइफ में क्या दो बॉल ऐसे आके टिकेंगी? एक ही रिजिड पॉइंट से दो धागे हैं और उनसे दो बॉल लटका दूं, तो क्या वो दो बॉल ऐसे आके रुक जाएंगी? ऐसे थोड़ी नहीं रुकेंगी कोई अच्छा ये ऐसे तब रुकती जब यहां पर कोई बेल्डिंग कर दूं लोहे की रॉड, और यहां कोई लोहे की रॉड बेल्डिंग कर दूं यहां पर, तो ये रुक जाएंगी। लेकिन यदि ये बॉल है तो ये तो फिगर ऐसे आएगा ना, देखो ऐसे आएगा फिगर, टच करेंगी ये, देखा है नहीं देखा आपने, टच करेंगी बिल्कुल एक दूसरे से टच करेंगी, ये फिगर होगा, है ना। अब मैं जो फिगर कर रहा हूं, चुल्लू वो गौर से सुनना, सवाल ने इन दोनों बॉलों को एक जैसा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो अब जैसे ही दोनों पर एक जैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ फिर इनमें रिपल्स, तो अब बताइए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपल्सन एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो रिपल्सन इनको नहीं चिपकने देगा। अब समझ में आ गया फिगर, यदि मैं ये कहूं वैसे यही फिगर आएगा, वैसे यही फिगर सरवाइव करता है, लेकिन यदि इन दोनों बॉलों को एक जैसा पोलैरिटी का चार्ज दे दू, एक जैसी पोलैरिटी का, बहुत तमाम वीडियो यूट्यूब पर सस्ते सस्ते उनसे सीख जाओगे, वो जो थर्माकोल की प्लेट से आती है ना, उनको यदि रगड़ दो और दूसरे को भी रगड़ दो, वो नहीं रुकती अपने, एक दूसरे के पास नहीं आती, मना कर देती है। तो क्या ये फिगर समझ में आ गया? अब मैं ये समझ में आ गया तो एक चुल्ल करता हूं, यदि वाकई इनमें रिपल्सन आ गया तो जो सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब के, तो इनको थोड़ा रिजिड पॉइंट ना ऐसे कर देता हूं थोड़ा छोटा, तो ये दोनों बॉलों को ऐसे आ जाना चाहिए, फिर ऐसे क्यों नहीं आए बताना, फिर ये बॉल ऐसे क्यों नहीं आई? यदि इन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, ये एकदम ये एंगल 180 क्यों नहीं हो जाता फिर? क्योंकि बेटा फिजिक्स समझनी है तो इन चीजों से लड़ना भी चाहिए, इसका आंसर पता होना चाहिए हमें कि फिगर ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। यदि मैं इन दोनों को चार्ज दे दूं तो ये फिगर ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, उतना भी रिपल्सन नहीं है, अच्छा कैंसिल हो जाए ये कह रहे हो, तो सुनिए बेटा नहीं, फिजिक्स को फील करना चालू करिए, रिपल्सन तो सुनिए, एक्चुअली हम जब ये प्रैक्टिकल घर पे कर रहे हैं ये, तो केवल एफ ही थोड़ी नहीं होगी, इस बॉल का एमजी भी तो होगा, बोलो जो डाउनलोड होगा एमजी, बॉल का खुद का वेट। जब हम अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, तो चलो इसके आने से एमजी, इन दोनों बॉलों का मिलने का रीजन ही एमजी था, तो एमजी है जो इन्हें पास लाना चाह रही है और रिपल्सन इन्हें दूर ले जाना चाह रही है। अब आप बताइए ये फिगर तब है जब सिस्टम पर क्यू जीरो है,
ये फिगर तब है जब ग्रेविटी जीरो है। ग्रेविटी, और ग्रेविटी जीरो कहां होती है? फ्री स्पेस में, मतलब अर्थ से बाहर चले जाओ फ्री स्पेस में, या सैटेलाइट में भी चले जाओ, सैटेलाइट में भी जीरो हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। तो अब आप बताओ ये फिगर कहां एग्जिस्ट करेगा, ये फिगर कहां एग्जिस्ट करेगा? करेगा लेकिन अर्थ पे नहीं करेगा। ये फिगर एग्जिस्ट करेगा जहां ग्रेविटी, जब ग्रेविटी का ही प्रभाव नहीं होगा तो फिर एमजी कुछ कर नहीं पाएगा, एमजी कुछ कर ही नहीं पाएगा। सिर्फ सिर्फ ये इस पर इधर रिपल्सन मारेगा, ये इस पर इधर रिपल्सन मारेगा, कौन सा वाला? सिर्फ एफ ई इलेक्ट्रिक। लेकिन जनरल लाइफ में जब हम सवाल करेंगे तो एफ ई भी होगा, एम जी भी होगा, और एक फोर्स और होगी। वो मैं अपने सवाल को कंटिन्यू पूरा कर देता हूं, है ना। पहले बताओ इतनी, ये जो मैंने चुल्लबाजी की समझ में आ गई ना, मैं नाइन्थ करा रहा हूं, एट्थ सवाल का फिगर अभी बता देता हूं ऐसा बनेगा, एट्थ क्वेश्चन का फिगर ऐसा बनेगा, ठीक। क्योंकि एट्थ क्वेश्चन में सेम सेटअप है, उसको स्पेस में ले गए, तो मैं थोड़ा कठिन वाला कर रहा था। हाँ बेटा आकाश, वेरी गुड आकाश चौधरी, यार मुझे लग रहा है मैं कुछ, मुझे मिल गए हैं डायमंड, बस इनको तराशना बाकी रह गया है। शाबाश बेटा। देखिए अब सिचुएशन ये है कि हम अर्थ पर कहीं समवेयर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, ठीक है, और ठीक। सवाल क्या है? टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ, स्मॉल स्फीयर, स्मॉल वर्ड बोलने का मतलब एक कूलम फॉर बेझक लगाइए ऑफ मास एम के जी एंड अ चार्ज क्यू कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ एल मीटर लेंथ बट नेग्लिजिबल मास लेंथ। इनको ना मास नहीं मानना, कंसिडर नहीं करना, इनकी लेंथ एल है लेकिन इनका मास नहीं मानना, ठीक है, मत मानिए ऐसे। कितने कितने सवाल है। अब वो ये कह रहा है कि यदि इक्विलिब्रियम जब आई तो दोनों इस स्ट्रिंग ने भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया और इस स्ट्रिंग ने भी वर्टिकल के साथ थीटा ही एंगल बनाया, मतलब जहां आके रुक गई, टिक गई, इक्विलिब्रियम समझ गए, जहां रुक गई, मतलब ना वो फर्दर आगे ऐसे जा पा रही ना ऐसे जा पा रही। इन्हें पास ला रहा हूं तो रिपल्सन तगड़ा हो रहा है, दूर ला रहा हूं तो ग्रेविटी उन्हें वापस ला रही है, कहीं तो आके रुकेंगी ना, जहां आके रुक गई उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां कंफर्टेबल हो गई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आके, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, फिर से वर्ड बता रहा हूं, नेट फोर्स जीरो, तो वो ये थीटा एंगल बना रही है। तो उसने साबित करने को कहा है कि जिस समय ये इक्विलिब्रियम होगा, साबित करिए, अरे यार ये तो बड़ा, कि साबित करिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उत्तरी रुकी नहीं रहा, टेन थीटा उत्तरी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें साबित करना है। ये मैंने शीट बंद कर दी, यानी ओ ये तो धमकी दे रहा है बेटा कि टाइम आउट होने वाला है, तो 10 मिनट में क्या ये सवाल हो रहा है। चलिए एक काम करो, फिर मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, मीटिंग लेफ्ट करके कनेक्ट करो, क्या हाँ हो गई रिकॉर्डिंग ऑन। लेकिन बेटा नेटवर्क इश्यू रहता है, आप ये भी तो सोचो कि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ पर्सनली, सोचो कितने एकदम HD क्वालिटी के तो वीडियो फिर भी नहीं होते ना ये, मेरा भी क्या इंप्रेशन जाता होगा जो बाई चांस कभी देखेगा, ठीक। चलिए इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, अब चलिए सवाल ये है, साबित करिए यदि ये इक्विलिब्रियम है तो ये होगा। कई लोग तो पहले इसको देखते ही सरेंडर कर देंगे, नहीं सर छोड़ो यार, सर हम नहीं खेल रहे, आप ही बता दो। एक्चुअली इसमें ना सवाल को करने में थोड़ी 11th भी लगेगी, तो स्टार्ट करता हूं मैं। आपके आंसर में केवल देखो वही चीजें आनी चाहिए जो सवाल में मेंशन है। उसने बोला है बॉल का मास एम है, धागे की लेंथ एल है, इक्विलिब्रियम में आके थीटा एंगल बन गया है, चार्ज इन पे क्यू है। तो चलिए किसी, देखो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा ना इधर, और ये इस पर इधर लगा रही होगी, वैसे किसी एक को मान सकता हूं मैं, जबरदस्ती दोनों पे बना रहा हूं किसी एक को, ठीक है। इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने एफ ई, क्या नाम दे दिया? एफ ई, ई वर्ड समझ रहे हो ना, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। एक इस पर एम जी लग रहा होगा, नो डाउट, इस पर भी एम जी लग रहा होगा, मैं यहां क्लियर कर देता हूं। अब आप एक चीज और, क्योंकि बेटा इस सवाल को करने के लिए ना भाई अच्छा सवाल है, थोड़ी अच्छी बुद्धि तो चाहिए, एक फोर्स और लग रही है इस पे, एक फोर्स और लग रही है, ढूंढो इस पर, इस बॉल को, यदि मैं बॉल को सिस्टम मानू तो, टेकिंग बॉल एज अ सिस्टम, जो भी सिस्टम है उस पर हम, एक किसने इसकी ऐसी कर दी, एक धरती माता ने कर दी, एम जी मैं खींचूंगी,
एक और है ना जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, वो है टेंशन, ऐसे करके। अब बेटा टेंशन में इतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा जिन्होंने बिल्कुल ही हरामखोरी करी 11 में, जब रस्सी किसी से बंधी होती है स्ट्रिंग, और रस्सी थोड़ी सी भी टाइट हो जाए तो रस्सी वापस फोर्स लगाती है। आप यदि रस्सी को टाइट करोगे तो रस्सी आप पे भी फोर्स लगाती है। अब ये थोड़ी सी तो टाइट हो गई ना एमजीआर की वजह से, तो ये इधर फोर्स, तो रस्सी में जब फोर्स रस्सी के द्वारा इस पर लगती है, देखो एक्चुअली क्या हुआ, आप इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी मान सकते हो, ये इस कील पर ऐसे फोर्स लगाता है, तो ये कील इस पर ऐसे लगाती है। तो जब रस्सी में जब फोर्स होती है तो हम उसको टी बोल देते हैं। वैसे यदि एक मिनट सुनो, ये ए और ये बी, वैसे और बताऊं आपको शायद आसान लगे, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है, ये बी पर ए ने जो फोर्स लगाया, हालांकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, ये इसने इसको जो खींचा ये वो है, बस हम इसको टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टी, टेंशन फोर्स बोलते हैं, जो रस्सी के माध्यम से लगती है, और टेंशन, ठीक है ना, ऐसे इस बॉल पर ये तीन फोर्स लग रही है, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी हुई बोलो? नेट फोर्स हुई जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गई। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो और उसको जीरो के इक्वेट कर दो, इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल के जीरो कर दो। अब एक ट्रिक और बताता हूं, अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने में निकलेगी मेरी भी दम, कि पहले यार इन दोनों का रिजल्टेंट निकालू, फिर उसका इससे रिजल्टेंट कैंसिल हो रहा होगा या जो भी। अच्छा अब यदि मैं आपसे यूं कहूं कि 12 प्लस 16 जोड़ो, इमेजिन करो, सुनना एक चीज बताता हूं, 12 प्लस 16 जोड़ो, तो क्या जो मेरे दिमाग में चलता है क्या आपके भी दिमाग में चलता है? या एक मिनट, 40 प्लस 32 जोड़ो, एक मिनट लो, 40 प्लस 32 जोड़ो, तो सुनना हम सबके लोगों के दिमाग में एक चीज चलती होगी, क्या चीज? क्या चीज नहीं आया बेटा? क्या चीज नहीं आई? जय जल्दी बता, क्या चीज नहीं आई समझ में? अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, अभी तो मैंने बोनी भी नहीं करी कुछ भी, टाइप कर तूने लिखा ये वाला नहीं आया, अब ये वाला क्या नहीं आया? सवाल ने बोला है बेटा इक्विलिब्रियम में, देख बेटा टेंशन में यदि दिक्कत आ रही है तो टेंशन तो बेटा 11th में आके पढ़नी पड़ेगी, 11th अभी मैंने, ठीक है ना, टेंशन को नहीं डिटेल में समझा सकता, यदि टेंशन में इश्यू है तो। टेंशन ना रस्सी के माध्यम से या किसी भी स्ट्रिंग के माध्यम से लगने वाली फोर्स होती है। थोड़ा और समझा देता हूँ ज्यादा से ज्यादा, यदि ये दो लोग हैं, ये रस्सा कसी से खेल रहे हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, टग ऑफ वार वो होता है ना, टग ऑफ वार होता है क्या, एक दूसरे को खींच रहे हैं रस्सी से, तो रस्सी टाइट हो गई होगी, है ना, रस्सी का टाइट होना ही रस्सी को टेंशन कहलाता है। अब इसने इस पे फोर्स लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी बोलो? इसने इस पे लगाई होगी ना फोर्स, रस्सी के माध्यम से ये इसको खींच, बताना रस्सी के माध्यम से खींचना चाह रहा है ना, खींचना चाह रहा है ना, तो इसका नाम दे दिया मैंने फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये अब ये भी इसे खींचेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एक्शन रिएक्शन। तो बस अंतर ये होता है कि जब रस्सी रस्सी खेल रहे होते हैं तो हम एफ ए बी और एफ बी ना लिख के टी और टी लिख देते हैं। अच्छा ये बताओ न्यूटन थर्ड लॉ से मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट दिख ही रही है, डायरेक्शन अपोजिट दिख ही रही है, तो टी का मतलब होता है रस्सी पे जब फोर्स लगती है। तो अब बताओ ये यदि मैं इसको सिस्टम मानता हूं तो रस्सी इस पे टी लग रहा है ना, ठीक है, और ये फोर्स ये कौन है बेटा? ये अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एफ ई कौन सी फोर्स है। अच्छा मनीष, आहा एफ ई कौन सी फोर्स है? देख इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इसने इन दोनों पर क्यू क्यू भी तो चार्ज है बेटा मनीष, बंजी जंपिंग नहीं, अब उसे छोड़ो, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, पहले मैं ये समझाता हूँ एफ ई, ये एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्बियन फोर्स, अरे इस सवाल में इन दोनों पे चार्ज भी तो है ना, मुझे लग रहा है मेरे बैटरी डाउन कर दोगे अब, ये इस पे चार्ज भी तो है ना क्यू और क्यू, तो बता मनीष बेटा क्यू ने क्यू पर फोर्स नहीं लगाएगा ऐसे सीध में, लाइन ऑफ सेंट्रल फोर्स ऐसे करके तो लगाएगा, ये इस पर क्यू इस पे क्यू, तो क्यू से क्यू पर फोर्स लगेगी ना, जल्दी बता। ठीक है आ गया, ठीक है ओके, एन जी धरती माता ने लगाई है टी, अब ये यदि टी फंस रहे हो तो बेटा
आप 11th की वजह से फंस रहे बेटा, अब मैंने कोशिश तो करी बेटा, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ये सवाल का तो हो गया कांड। अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्लीज समझिए, मैं एक नई चीज बता रहा हूं। अब ये बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलिब्रियम है, क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में आके रुकी पड़ी है, तो साबित करिए ये। 11 धोखा नहीं देगी, आपने धोखा दिया है, आपने उसको भाई सीधी सी बात है एक्शन रिएक्शन है, आपने उसको इज्जत नहीं दी है ना। चलो और बेटा ढंग से कह देना, पढ़ लो नई पीढ़ी से, नई पीढ़ी से एक स्मार्ट सा हैंडसम सा मास्टर बढ़िया सी फिजिक्स पढ़ाता है, मजे से पढ़ाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कहीं बेटा अगली बार भी नंबर 11th के जुड़ने लग गए तो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। बोलो उनसे कि जाओ 11th के मार्क्स पर ये ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में, ठीक है, किसी किसी डेड डैश मास्टर को ना पकड़ ले, और फिर वहां से फिजिक्स खराब होके आती है, ये तो है ही, है नहीं, फिजिक्स खराब होके आती है। सुनो ऐसे ऐसे मास्टर भी देखे हैं, है नहीं, वो क्या देखो क्या, चलो छोड़ो यार मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हाँ 40+32, अब मुझे बताओ 40+32 जोड़ना है तो कितने लोगों के दिमाग में एक चीज चली कि यार वो ऐसे कर लेते हैं, कितने लोग इस तरीके से इस टोटल को करते हैं, करते सोचो 40+32 को इस तरीके से टोटल करते हैं, एक आकाश चौधरी इसको इस टोटल को ऐसे करेगा। थैंक यू बेटा रोहताश, नहीं वेट, थैंक यू बेटा। हाँ मुझे बताइए इस वाले तरीके को, इस स्ट्रेटजी को पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो, ऐसे ही करते हो ना, तो सुनिए बेटा अब यही चीज कहलाती है आपने एक वैल्यू को उसकी औलादों में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, बताइए आपने किसी वैल्यू को उसकी औलादों में, क्योंकि ये पापा है और ये औलाद है, ये दो औलाद, इसकी औलाद ही तो ही, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर, क्योंकि कभी कभी सवाल सीधे भी जोड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे करोगे तो इजी हो जाता है, इजी हो जाता है किसी को वापस दो वैल्यूज में तोड़ देना। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये नौटंकी क्या हो रही है इस सवाल में कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मैंने एक लाइन खींची, सुनना एक लाइन खींची इसमें, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल होते ही ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया ना, बोलो हुआ ही नहीं हुआ, ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा ही हुआ ना, न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, नहीं न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, ठीक है, हाँ 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 आकाश भी, ये है ऑल्टरनेट एंगल, इसमें क्यों न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है ऑल्टरनेट एंगल। अब सुनिए मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि कईयों को ये नहीं पता कि फिजिक्स में जब मर्जी आती है रिजोल्यूशन फेल देते हैं। अब मैं इस टी को इसके कंपोनेंटों में तोड़ रहा हूं, कंपोनेंट तोड़ रहा जो 11th में सीखा था, यदि कोई आर वेक्टर है तो एक, जैसे आपने 32 का टोटल, आपने 32 को 30+2 कर दिया, लेकिन वो रहा तो 32 ही, तो ऐसे ही हमने 11th में एक चीज सीखी थी, यदि कोई आर है पापा है और वो किसी दिशा में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो आप इस पापा को दो वैल्यू में तोड़ दो, एक तोड़ दीजिए आर कॉस थीटा और एक तोड़ दीजिए आर साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, एक होता है आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा, जैसे आपने 32 को ऐसे तोड़ दिया वैसे ही किसी वेक्टर को ऐसे तोड़ देते हैं। एक जिसके साथ, सुन लीजिए रट लीजिए, मैं कभी आएगा वक्त मिलेगा तो इसे रिवाइज भी करा दूंगा, और टेंशन मत लो, सुनो सुनो सुनो, रिजोल्यूशन में टेंशन है ना, सुनो 11th की मुझसे कोई भी वीडियो मांग लेना, जैसे जैसे 11th वाले पढ़ते जा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, टेंशन मत लो, 11 पढ़ते जा रहे हैं तो उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं। जिस समय मैं वेक्टर एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, सुनिए बेटा, जब वेक्टर एलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उस जब भी समय मिले वेक्टर एलजेब्रा को तो पढ़ी लेना, वेक्टर एलजेब्रा के टॉपिक को रिवाइज कर ही लेना 11th में, लो आपकी जो 11th का जो मेन पार्ट है वो भी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा 11th का जो यहां यूज होता है वो वेक्टर ही तो यूज होता है, ठीक है। और फिर हाँ टेंशन पढ़ना है तो जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो वो टेंशन का भी इश्यू समझ में आ जाएगा। तो अभी मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, तो जब भी ऐसे किसी टॉपिक की जरूरत हो तो लो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो वीडियोस मिलेंगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना आपको, वो मेहनत तो आपको, आपके हिस्से की मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए तो अब मैं अभी फिलहाल ये बता रहा हूं, यदि कोई आर वेक्टर हो, ठीक है,
जैसे आप 32 को 30 प्लस 2 कर देते हो, लेकिन रहता वो 32 ही है, तो आर को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कर देते हैं। बस ध्यान रखना जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो साइन होता है। जैसे दोबारा खेलता हूं, जैसे ये आर है और ये थीटा है, अब जब कंपोनेंट तोड़ूंगा तो पापा यानी पापा पापा इस औलाद के साथ तो आर कॉस थीटा कंपोनेंट ये होगा, और ये वाला आर साइन थीटा होगा। ये थोड़ा अभी के लिए रट लो, यदि 11th में पाप किए तो, कि पापा जिसके साथ थीटा एंगल बनाते हैं वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है। तो अब इसमें टी टी को तोड़ते, टी को इस तरीके के हालात करते, तो बताइए टी का ये कंपोनेंट कितना होगा, टी का ये कंपोनेंट बताइए, टी का ये कंपोनेंट कितना होगा ये, क्योंकि पापा ने इसके साथ ही थीटा एंगल बना रखा है। ऐसे देखो, अच्छा देखो बन जाओ, हमें तो अपनों ने लूटा खेरों में, है ना, यूं करके, तो बताइए ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अच्छा इस कंपोनेंट को तोड़ने के बाद बताना, 32 को तोड़ने के बाद आप 32 को थोड़ी नहीं देखते हो, 32 से नजर हटा लेते हो 30 और 2, तो ऐसे जैसे आपने टी को कंपोनेंट तोड़ा, अब आपको एक्टिंग करनी है कि टी नहीं दिख रहा, टी के बदले कौन दिख रहा है जल्दी बोलो। और यहां हम लिख देते हैं फिगर में एक और चीज, फिगर पे ये लिख देते हैं रिजोल्विंग टी, ताकि एग्जामिनर को हम ये समझा सके, क्योंकि बेटा आप मेरे पास तो चॉइस है, मैं एक बार को ये मिटा भी दूंगा, क्यों मैंने मिटा दिया, लेकिन आप पेपर में थोड़ी नहीं मिटाओगे, पेंसिल से जो लिख गया उसे थोड़ी नहीं मिटाया जा सकता, तो इसके लिए हम फिगर में ये लिख देते हैं रिजोल्विंग टी, जिसका मतलब ये होता है कि टी फिगर में जरूर है लेकिन टी को हमने रिजोल्व कर दिया है। अरे यार वो मिट गया, चलो कोई नहीं, समझ गए मैंने क्या लिखा। इस शब्द का मतलब क्या होता है कि जब आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को जब देखो रिजोल्विंग टी, तो टी होने के बावजूद भी देखना नहीं है आपको। बताइए रिजोल्व करने से पहले इसमें कितने वेक्टर या कितनी फोर्सेस थी, बताइए इस फिगर को रिजोल्व करने से पहले इसमें कितनी फोर्सेस थी, बताइए जल्दी से टाइप करके बताइए, रिजोल्व करने से पहले, टी को रिजोल्व करने से पहले, हाँ जी बिल्कुल ठीक, इसमें तीन फोर्सेस थी, एक एफ ई, एक टी और एक एम जी। रिजोल्व करने के बाद अब आपको कितनी फोर्स देखनी है इसमें, जल्दी बताओ रिजोल्व करने के बाद कितनी, रिजोल्व करने के बाद रोताश, जी हाँ चार देखनी है मनीष, पांच क्यों देखनी है, ये तो देखने ही नहीं है ना मनीष, अब मैं तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सही हंस गया मनीष। रिजोल्व करने के बाद आपने जब 32 को 30 प्लस 2 कर दिया तो आप 32 को भी थोड़ी नहीं शामिल करोगे, या तो बाप से काम लो या औलाद से काम लो, या एक काम करो मनीष बेटा, जिसके रिजोल्यूशन कर दो ना उसको हल्का सा क्रॉस मार दो जो सिर्फ आपको दिखे, क्रॉस का मतलब कि भाई तू तो तेरी तो लंका लग गई, तू तो गया। अच्छा औलादों का क्या काम होता है, ये औलादी का है, पापा आप आराम करो हम करेंगे आपका काम। तो इस समय इस पर चार फोर्स हैं मनीष, एक ये एम जी, एक एफ ई, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। टी तो आपने रिजोल्व कर दिया ना, चलिए अब सुनो, अब इससे फायदा क्या होता है इससे ना, अच्छा ये ट्रिक जैसे जहां लग जाए वहीं लगानी चाहिए। अब यहां क्या फायदा हो गया, तभी आपको रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों रिजोल्व करते हैं, चीजें आमने सामने आ गई, ये इक्विलिब्रियम में तो पक्का इसने इसको कैंसिल और इसने इसको कैंसिल कर दिया होगा, हो गया। और ये चीजें प्रैक्टिस से आती है कि हमें पता था मैं टी को रिजोल्व करूंगा तो एक फोर्स इसके सामने आ जाएगी, एक इसके सामने आ जाएगी, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब यह हुआ कि टी साइन थीटा को बताइए एफ ई किसके बराबर है, जल्दी बोलो, एफ ई तो टी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, अपोजिट तो फिगर में है, इक्वल भी होगा एफ ई, और टी और एम जी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो टी कॉस थीटा, बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से टाइप करो, आ गया ना, बस मेन चीजें आपने पार कर दी, गेम का ऑलमोस्ट एंड लेवल आ रहा है। इसको इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड करोगे तो एफ ई अपॉन एम जी कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो टी से टी कट गया, टेन थीटा बच रहा है यहां,
डिवाइड करने का पर्पस भी यही होता है, साला हमें टी पता तो था ही नहीं, डिवाइड करके टी की लंका लगा दी हमने, चल हटा सावन की घटा बत्ती गुजा, हो गया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। डिवाइड करने का मतलब ये था, क्योंकि टी की वैल्यू तो हमें पता नहीं थी, हट गया। तो अब बताइए यहां से एफ ई कितना आ गया, एम जी टेन थीटा, एफ ई कितना आ गया एम जी टेन थीटा, एफ ई इक्वल टू, चीजें धीमे धीमे आ जाएंगी। अच्छा मैं लिख देता हूं प्रूफ क्या करना था, मैं लिख देता हूं ताकि आपको लगने लग जाए, हमको प्रूफ ये करना था q square equal to 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन थीटा 4 पाई एफ साले नॉट, उत्तरी ही ये करना है ना। तो चलिए बेटा अब एफ ई की देखो, एम जी टेन थीटा तो आया, कुछ तो आ रहा है। एफ ई यानी कूलम्बियन फोर्स बिटवीन दीज टू, तो कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं, के क्यू वन क्यू टू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन आपस की डिस्टेंस। सपोज करो बेटा ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी आर होगी, मैं नीचे बना देता हूं, ये आर है तो ये भी आर होगी। तो बताइए कूलम्स लगा रहा हूं इसमें, ये तो आर एच एस तो एम जी टेन थीटा ही रहेगा, तो k q1 q2 दोनों ही q है तो q स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, बोलो है ना। अब एक चीज और सोचो, क्योंकि हम ना प्रूफ करना है, लिखने में तो k में मजा आता है, लिखते हैं तो k में मजा आता है, लेकिन अब इस k को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखो, क्यों, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां जाएगा इस तरह चमकने लग जाएगा, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना भी। हाँ बेटा तो अब बताइए, अरे तो अब बताइए यहां से q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, q स्क्वायर तो 4 देखो 2 दूनी 4, 4 मैंने यहां लिख दिया 4 mg r स्क्वायर tan थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ये देखो ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहां लिखा, ये तो यहां पहुंच गया, ये 2 दूनी 4, 4 ये रहा आर स्क्वायर, ये रहा देखना यहां तक आने लगा। अब कुछ उम्मीद जगने लगी कि शायद अब हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ गया, 4 एम जी आ गया, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, टेन थीटा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पता है क्यों नहीं आंसर आ रहा, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है यहां पे, और आर क्या चीज है, आर वो चीज है जो आपने अपनी मर्जी से इमेजिन कर लिया है, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो आर है, आपने अपनी मर्जी से इमेजिन किया है। अब कोई अपनी मर्जी से एक्स मानेगा तो वो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सवाल हमेशा वहां छोड़ना चाहिए, एंड वहां करना चाहिए जहां उसके डाटा मैच कर रहे हो। तो आर स्क्वायर हमारी मर्जी से माना हुआ वेरिएबल है, तो आर हटाना है, तो आर कैसे हटाएंगे, तमीज से हटाएंगे। ये वाला ट्राइंगल देख लो, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी को आंखों में बसा लो, और बेटा साइन थीटा खेल जाओ, या साइन थीटा ही क्यों, बताना ये थीटा पता है तुम्हें, ये एल पता है, ये आर निकालना है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन तीनों को कनेक्ट करेगा, आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, बताना। थीटा नोन वैल्यू है जो सवाल में दिया कि ये थीटा है, ये एल दिया हुआ है, एल लेंथ है, ये तुम्हें अपनी मर्जी से मान लिया, इसे हटाना है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस ट्राइंगल में, साइन कॉस टेन, कौन सा, बिल्कुल साइन, तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनस है एल, परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनस है एल, ओके आर और एल। अब क्या करना है मुझे, आर और एल हो गया, तो यहां से आर हो गया एल साइन थीटा, हो गया, कितने लोगों को लगता है हो गया प्रूफ, तो बस आर स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 एम जी, आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो सच्चे दरबार की
सच्चे दरबार की नहीं आएगी। जय सो जय चलो जय जय पाठक भी जय बोलेगा ठीक वेरी गुड। अच्छा सूरज ने एटलीस्ट कम से कम अब जय तो बोली सूरज। सौरभ सौरभ एटलीस्ट तू जय तो बोल दे बेचारा मौन व्रत रखे हुए बेटा है। तो होप कि आपको यहां तक समझ में आया। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई। जय तेरा सवाल उधार रहा कोई नहीं अगली मीटिंग कौन सा तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं भग रहा हूं मैं ठीक है। अपना पढ़िए मेहनत करिए लगन दिखाइए धीमे जितना लड़ोगे ये सब चीज रह गया कोई बात नहीं अब छोड़ कोई बात नहीं। इस सवाल ने ले ली ना हमारी ठीक। तो बेटा